यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं जी आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह जी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और आज के व्लॉग का जिस स्टार्ट लिया है सुबह सुबह से नाश्ते से, यहाँ पे जी बन रहा है सर्दियों का मज़ेदार किस्म का नाश्ता। सर्दियों में नाश्ता करने का जी अपना ही मज़ा होता है। और जैसा कि जी थंबनेल और टाइटल पढ़ के आप लोगों ने आइडिया लगा लिया होगा कि आज के व्लॉग में जी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी अपनी विंटर डे की रूटीन। पूरा डे की मैंने आज जो है ना किस तरह से स्पेंड किया। दुबई में भी सर्दियां जो हैं वो तकरीबन जो है वो शुरू हो चुकी हैं, क्योंकि आजकल जो है ना जब वज़ू करो ना तब भी इतनी ज़्यादा ठंड लगने लग जाती है और एकदम से जो है ना किसी गर्म चीज़ की ज़रूरत महसूस होती है। इतनी कोई ठंड जो है ना यहाँ पर भी पड़ चुकी है और यानी कि सर्दियाँ जो है ना आ चुकी हैं यहाँ पर दुबई में भी। लेकिन वेदर कुछ इस तरह का होता है यहाँ पे कि दिन के टाइम पे ना अगर बाहर धूप में आप निकलें तो आपको किसी टाइम पे गर्मी भी लगना शुरू हो जाती है, और लेकिन ज़्यादातर जो है ना मोस्टली टाइम पे आपको ये होगा कि आपको सर्दी फील होगी, क्योंकि दिसंबर है और जनवरी बहुत ही ज़्यादा ठंडा होता है यहाँ पर। जनवरी फरवरी भी बहुत ज़्यादा ठंडा होता है और यहाँ पर सुबह सुबह के टाइम पर जनवरी में जो है फॉग भी पड़ती है, बिल्कुल जिस तरह पाकिस्तान में सर्दी होती है इसी तरह होती है। उस तरह से बारिशें नहीं होती लेकिन यह है कि सर्दी जो होती है वो कम्प्लीटली जो है ना पड़ती ही पड़ती है। तो खैर जी यहाँ पे नाश्ते में आज जो है ना कोई सालन वगैरह नहीं था, जैसा कि अक्सर हमारे साथ होता है कि रात को खाना खाते हुए जो है ना सालन जो होता है रात को ही ख़त्म हो जाता है। तो फिर सुबह नाश्ते में मैं अक्सर जो है ना या तो अंडे वगैरह बना लेती हूँ या आलू अंडे की तरकारी इस तरह की कोई चीज़ बना लेती हूँ। तो आज मैंने बनाया था जी ऑमलेट, थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल का बनाया था, बड़े मज़े का बना था। इसमें मैंने ऑलिव्स ऐड किए थे और ऑलिव्स का जो फ्लेवर था ना ऑमलेट में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया उसके फ्लेवर का। और यहाँ पे जी चाय भी हमारी कड़कदार किस्म की चाय जो है नाश्ते के लिए रेडी हो चुकी है। बस जी अब गर्मा गर्म जो है नाश्ता एंजॉय करेंगे अपना। और इसके अलावा जी आज है भी जुमा और जुम्मे वाले दिन आपको पता है कि एक तो वीकेंड भी होता है और यूजली जो होता है मेरे हस्बैंड जो है होते हैं वो जुम्मे वाले दिन घर पे ही होते हैं, तो उठते उठते थोड़ा सा जो है ना हम लोग लेट ही हो जाते हैं सुबह के टाइम पे। तो बस फिर जुम्मे का भी ऊपर से टाइम हो रहा होता है, घर के काम काज भी करने होते हैं, नाश्ते वगैरह भी सबको करवाना होता है, नाश्ते वाले बर्तन और किचन क्लिनिक सारे काम जो होते हैं ना साथ साथ हो रहे होते हैं। यानी कि जोहर की नमाज़ तक, जुमे की नमाज़ अदा करने तक ना मैं बहुत ज़्यादा जो है ना हार्डली किस्म की जो होती है ना बिज़ी होती हूँ। यहाँ पे बच्चों को भी मैं रेडी कर रही थी, बच्चों को मैं यहाँ पे शावर मैंने दिलवा दिया था और यहाँ पे मैं अपने बेटे को रेडी कर रही थी, क्योंकि इसके बाबा के साथ ये जो है ना हर जुमे को लाजमी जो है ना मस्जिद में जाता है अपने बाबा के साथ। तो मैं इसको प्रॉपर जिस तरह जुमे के लिए तैयारी की जाती है बिल्कुल मैं इसको उसी तरह से करती हूँ। और यही एज होती है, इस एज में आप अपने बच्चे को जो कुछ सिखाएंगे वही उस बच्चे के दिलो दिमाग में बैठ जाएगी चीज़ और वो उसी चीज़ को पूरी ज़िंदगी फॉलो करेगा। मैंने बहुत दफ़ा आप लोगों के साथ ये चीज़ शेयर किया है कि आप लोग बच्चों के साथ जो है ना शुरू दिन से जो यानी कि अर्ली एज जो होती है बच्चों की, जैसा कि मेरे बच्चों की है स्टार्टिंग जो एज होती है बच्चों की, आप इस एज में जो बच्चे की तरबियत कर रहे हैं ना अगर आप थोड़ी सी मेहनत इस पे 6 महीने साल अच्छी तरह से जो है ना अपने बच्चे पे लगा लेंगे तो आपका बच्चा वही चीज़ जो है ना फॉलो करेगा पूरी लाइफ। कभी भी आप उसकी नेचर को उसकी चीज़ों को आप बदल नहीं सकते फिर आगे जो आने वाली जो लाइफ होती है। तो यहाँ पे जी मैं अपने बेटे को थोड़ा सा जो है ना वो तंग करने में लगी हुई थी, तो खैर जी यहाँ पर इसको मैं पूरी जिस तरह से जो है ना पूरी जो है ना मेकओवर किया जाता है इस तरह से मैं इसको पूरा मेकओवर करती हूँ जुम्मे के लिए। और बच्चों के मैं जो है ना जुम्मे लाजमी जो है ना नेल्स कटिंग जो होती है वो लाजमी जो है वो करती हूँ। और यहाँ पे मैं इसको सिखा रही थी कि आपने ऐसे जो है ना ये लोशन जो है स्क्रब आपने इसको इस तरह से करना है रब अपने हैंड्स के ऊपर, और जिस तरह से मैं सिखाऊंगी उसी तरह से जो है ना मेरा बच्चा सीखेगा। और आप लोग भी अपने बच्चों के साथ जो है ना ज़रूर इस तरह से उनकी थोड़ी थोड़ी जो है ना हैबिट्स के अंदर जो है ना उनकी ये चीज़ें जो है ना आदतों में उनकी डालना शुरू करें ताकि जो है ना आपको कल के लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो, आपके बच्चे के अंदर जो है ना अच्छी आदतें जो है वो डिवेलप हो सकें। खैर जी यहाँ पर मेरा बेटा और मेरे हस्बैंड जो है वो जुम्मे की नमाज़ के लिए चले गए थे और आज ये लंच में मैं बना रही थी यहाँ पे आलू मटर का पुलाव और साथ में चपली कबाब फ्राई कर रही थी और साथ में जी मैं रायता बना रही थी। सर्दियों में आपको पता ही है कि आलू मटर और मटरों वाले चावल और सब्जियां इस तरह की चीज़ें जो होती हैं ना बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं स्पेशली सर्दियों में। मिक्स सब्ज़ी का सालन हो गया, इस तरह की चीज़ें जो होती हैं ना साग वगैरह तो हम लोग वैसे भी सर्दियों में खाते ही रहते हैं, तो ये जो सब्ज़ियाँ होती हैं ना ये सर्दियों में खाने का मज़ा ही अपना होता है। सर्दियों में बड़ी ज़्यादा जो है ना फ्रेश भी आई हुई होती हैं, तो आप भी अपनी फैमिली के लिए जो है ना सब्ज़ियों के अरेंजमेंट ज़रूर किया करें, उनकी डाइट में जो है ना सब्ज़ियाँ लाजमी रखा करें क्योंकि सर्दियों में बड़ी ज़्यादा फ्रेश आई होती हैं, तो इसलिए जो है ना एक तो उनमें बड़ी ज़्यादा
प्रोटीन और फाइबर्स वगैरह भी होते हैं, तो वो बड़ी ज़्यादा हेल्थ के लिए ज़रूरी भी हैं। तो खैर जी, यहाँ पे योगर्ट के सॉरी रायते के लिए मैंने यहाँ पे ले लिया था जी कुकम्बर, और साथ में टमाटर और साथ में अनियन ले लिया था, और इसके अंदर मैंने 1 टेबलस्पून मेरे पास ग्रीन चिली का और पुदीने की चटनी का जो पेस्ट होता है ना, वो फ्रोज़न पड़ा हुआ था, वो थोड़ा सा मैंने 1 टेबलस्पून ऐड किया है। तो 3 चम्मच मैंने इसके अंदर भर भर के दही के ऐड किए हैं। थोड़ी सी मैं यहाँ पे ब्लैक पेपर और थोड़ा सा जो है ना नमक भी ऐड करूँगी, और इसको जी अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। यहाँ का जो योगर्ट होता है ना बहुत ही ज़्यादा थिक होता है, तो इसके लिए जो है ना मैं हमेशा जो है ना इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर देती हूँ, ताकि जो है ना इसका स्ट्रक्चर जो है ना थिकनेस जो है ना बहुत ज़्यादा ना हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा थिक थिक दही भी जो है ना अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पे बस ये चावलों को आ चुका था दम, चावलों को लगाऊंगी मैं दम। इसके अलावा जी मैं जाऊंगी शावर लेने के लिए और ख़ुद जो है ना जुम्मे की नमाज़ की तैयारी करूंगी। यहाँ पे जी हस्बैंड मेरे आ गए थे, और वो आते हुए ना ये ऑरेंजेस लाए थे, जो कि सर्दियों की विंटर की स्पेशल जो सौगात होती है वो है। यहाँ पर भी ऑरेंज जो है ना इस सीज़न में बहुत ही अच्छे किस्म के मिलते हैं, और मैंने बहुत दफ़ा बताया है कि आपको जो सीज़नल फ्रूट होता है ना, वो मेरे हस्बैंड जो है ना एक दफ़े जाके फ्रूट एंड वेजिटेबल मार्केट से जाके लेके आते हैं, तो ये भी जो है ना फ्रूट एंड वेजिटेबल मार्केट से ही जाके उन्होंने खरीद के लाए थे। वहाँ पे ये होता है कि आपको एक तो चीज़ थोड़ी सी ज़्यादा क्वांटिटी में भी मिल जाती है, और दूसरा रीज़नेबल भी मिल जाती है, बजाय इसके कि सुपर मार्केट्स वगैरह में आप लोग लें, और वहाँ पे जो है ना सुपर मार्केट्स वगैरह में बहुत ज़्यादा हाई रेंज के जो है ना आजकल ऑरेंज हैं, क्योंकि सीज़न है इनका, और जो सीज़नल चीज़ होती है वो आपको पता है कि उसका रेट भी जो होता है वो हाई होता है। खैर, इन सबको जो है ना मैं कॉटन से निकाल के इस तरह से मैं बास्केट्स और ट्रे वगैरह में जो है ना लगा के, तो मैं इनको किसी हवादार जगह पर रख दूँगी, क्योंकि अगर इस कॉटन के ही मैं इनको रहने देती ना, तो ये बहुत जल्दी जो हो सकता है ये ख़राब भी हो जाए, तो इसलिए फ्रूट्स वगैरह को हवादार वाली जगह पे रखना जो है ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो मैं हमेशा जो ही फ्रूट घर में आता है ना, सबसे पहले मेरी कोशिश होती है कि फ्रूट्स वगैरह और सब्जियों वगैरह को जो है ना मैं अपनी अपनी जगह पर समेट लूँ। तो बस इन सारों को मैंने इस तरह से लगा दिया है, तो अभी इनको मैं अपनी जगह पर रख दूँगी। और जी आज हम लोगों ने बनाए थे दही भल्ले, तो मैंने सोचा कि क्यों ना जी इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ भी शेयर की जाए। यहाँ पे जी मैंने आलू उबलने के लिए रख दिए थे, साथ में जी मैं बना रही थी भल्ले का यहाँ पे मिक्सचर। भल्ले के लिए यहाँ पे मैंने 3-4 तकरीबन टेबलस्पून मैंने बेसन के ले लिए हैं, 1 चुटकी मैंने उसमें खाने का सोडा, मीठा सोडा जो होता है वो मैंने ऐड किया है, थोड़ा सा मैंने नमक ऐड किया है, थोड़ी सी पिसी हुई काली मिर्चें ऐड की हैं, थोड़ा सा साबुत ज़ीरा जो है वो मैंने ऐड किया है, और इसका एक अच्छा सा जो है ना इस तरह से स्ट्रक्चर इसका बैटर जो है वो मैं रेडी कर लूँगी, और यहाँ पर सारे भल्ले जो है ना मैं फ्राई पैन के अंदर जो है वो डाल दूँगी। थोड़े से मैं थिक थिक से करके डाल रही हूँ, तो बस ये भी थोड़े से ना फ्लफ अप हो जाएंगे, तो बस इनको पलट अलट के ना, तो इनको जिस तरह पकौड़े फ्राई करते हैं इस तरह से इनको मैंने फ्राई करके ना पानी के अंदर मैं निकाल लूँगी, तो मज़ेदार किस्म के जो भल्ले हैं ना, फुल्कियाँ कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग दही भल्ले कहते हैं, आप लोग क्या कहते हैं आप लोग मुझे कमेंट करके जो है ना लाजमी जो है बताइएगा। अच्छा जी, लास्ट 1, 2, 3, 4 वीडियोज़ पे ना मेरे व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं, आप सब लोग किधर चले गए हैं जी, वापस आए मेरे चैनल पे, सब जो है ना मुझे मोटिवेट करें ताकि मज़े के व्लॉग्स जो आप लोगों के लिए बनाकर लेकर आऊँ। अगर आप लोग चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली जल्दी से जो ना मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, ताकि मज़े के व्लॉग्स जो है आप लोग मिस ना कर सका करें। तो अच्छा जी, खैर भले मैंने निकाल के पानी से पानी के अंदर पहले उनको मैंने 1 मिनट के लिए डिप किया, उसके बाद मैंने पानी से निकाल के मैंने उनको हाथों की मदद से थोड़ा सा दबा दबा के ना मैंने उनको निकाल के प्लेट में रख लिया है। और दूसरी साइड पे जी आलू भी मेरे उबल चुके थे, आलूओं के अंदर मैंने ऐड किया जैसा कि आपको नज़र आ रहा है प्याज, टमाटर, पुदीना और हरी मिर्चें। पुदीना जो है ना इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इंग्रेडिएंट है ना वो है। साथ में जी थोड़ा सा मैंने लेमन जूस वो भी मैंने ऐड किया था। इसके अलावा जी ये दही मेरे पास पड़ा हुआ था जो कि मैंने रायते के लिए यूज़ किया था ना, वही लेफ्ट ओवर जो दही था ना वही मैंने डाला, और अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल के मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। और इसके अलावा जी इसमें जाएगा नमक और साथ में चाट मसाला। तो बस ये इसके इंग्रेडिएंट्स हैं, और बहुत ही मज़ेदार किस्म का बहुत जल्दी और झटपट जो है ना दही भल्ले जो है वो बनकर रेडी हो जाता है। आपके घर में अगर अचानक से कोई गेस्ट आ जाए ना, तो आप लोग ज़रूर ये बनाया करें। चाय पे अगर कोई आपके गेस्ट आ जाए तो 2 मिनट लगते हैं, अगर आपके पास सारी चीज़ें जो है ना अवेलेबल हैं तो आपके पास 2 मिनट आपके लगेंगे और आपके दही भल्ले जो है ना मज़ेदार किस्म के जो है बनकर रेडी हो जाएंगे। तो मैं तो अक्सर ऐसा करती हूँ कि मेरे घर पर अगर कोई अचानक से गेस्ट आ जाए ना, तो ये मेरी सिग्नेचर डिश होती है कि मैं लाजमी जो है ना साथ में दही भल्ले जो है ना बना लेती हूँ। यहाँ पे दही के अंदर ना मैंने थोड़ा सा दूध भी ऐड किया था, दूध लाजमी ऐड कर दिया करें भल्लों के अंदर, क्योंकि फिर ये होता है कि दूध और दही जब मिक्स होता है ना तो वो पानी नहीं छोड़ता। अगर हम इसके अंदर बहुत ज़्यादा मिकदार में पानी ऐड कर देना, तो फिर वो ये होता है कि वो पानी अलग हो जाता है और दही अलग हो जाता है, जो कि दिखने में और खाने में भी अच्छा नहीं लगता।
तो बस जी यहाँ पे मैंने इसके ऊपर अब ऐड कर दिया है सारे ये भल्ले ऐड कर दिए इसमें, और इसके ऊपर जी ये सारा दही जो है ना इसके साथ मिक्स कर दूँगी ताकि भल्ले जो है ना हमारे इसके अंदर पड़े पड़े जो है वो सॉफ्ट हो जाए और खाने में जो है ना बड़े ज़्यादा मज़े के हों। तो मसाला मैंने थोड़ा सा कम ही रखा था बच्चों की वजह से, फिर बाद में जो है ना ऊपर से हम लोगों ने मसाला जो है ना बाद में और ऐड कर लिया था अपने लिए, लेकिन बच्चों ने भी खाए थे बहुत ज़्यादा मज़े के बने थे। आप लोग ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा, अपनी फैमिली के साथ ज़रूर शेयर किया करें इस तरह की चीज़ें। ज़रूरी नहीं है कि आपके घर पर कोई गेस्ट आए तो आप तभी बना कर आप लोग सर्व करें, ज़रूरी नहीं है। आप लोग जो है ना अपने लिए भी बना सकते हैं, अपनी फैमिली के लिए भी बना सकते हैं, अपनी फैमिली को भी वैल्यू लाजमी दिया करें। अच्छा जी, खैर यहाँ पे जी अभी हो रहा था शाम की चाय का टाइम, और शाम की चाय जो होती है वो मेरे व्लॉग्स में मस्ट होती है जी, आपको नज़र आती रहती है। और साथ में जी चाय के साथ ना बच्चों को इस टाइम पे भूख भी लगी हुई थी हल्की हल्की, तो मैंने थोड़े से नगट साथ में फ्राई कर लिए, थोड़ी सी चिकन स्ट्रिप्स पड़ी हुई थी वो मैंने फ्राई कर ली, और साथ में जी बिस्किट जो थे ना वो पड़े हुए थे वो भी मैंने साथ में रख दी। मैंने कहा चले अगर बच्चों ने खाने हुए तो खा लेंगे। यहाँ पर मैं और बच्चे जो है ना शाम की चाय अभी पी रहे थे, और शाम की चाय पीने के बाद ना मैं लेके थोड़ी देर के लिए बच्चों को बाहर चली गई थी, क्योंकि कल मौसम जो है ना अच्छा है, फिर आगे आपको पता है दुबई में गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो फिर शाम के टाइम पे भी और रात के टाइम पे बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी और गर्मी होती है, यहाँ पे बाहर जो है ना नहीं निकला जा सकता। तो फिर यही वेदर है, यही दिन है, 2-3 महीने हैं कि बच्चों को जो है ना बाहर की इंजॉयमेंट जो है वो करवाई जा सकती है। तो बस जी यहाँ पर करते हैं अपने व्लॉग को एंड। आई होप कि आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा, और अगर मेरा व्लॉग ज़रा सा भी पसंद आया हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। मिलूंगी जी आप सबसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नए व्लॉग के साथ, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।